गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी मनीषा को गिरफ्तार किया है। ये लेडी गैंगस्टर मनीषा कौशल के जेल जाने के बाद गैंग को ऑपरेट कर रही थी। अभी तक पुलिस की पूछताछ में मालूम हुआ है कि इस लेडी गैंगस्टर पर लगभग आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें, लगातार देश के अलग अलग राज्यों में ये लेडी गैंगस्टर होटल संचालकों से रंगदारी मांग रही थी। गुरुग्राम के एक नामी होटल राव होटल के संचालक से रंगदारी मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर जांच को शुरू किया तो कौशल की पत्नी लेडी गैंगस्टर मनीषा को पुलिस ने सेक्टर 9 से गिरफ्तार कर लिया। मनीषा पर लगभग आधा दर्जन के करीब आपराधिक मामले दर्ज हैं और यही कारण है कि गुरुग्राम की खांडसा मंडी में रंगदारी के मामले में भी मनीषा शामिल थी, जिस मामले में पुलिस ने इसे पहले गिरफ्तार किया था। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में अपना गैंग चला रही थी। फिलहाल पुलिस ने अब 6 दिन की रिमांड पर लेकर मनीषा से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गैंग से संबंधी तमाम ऐसी जानकारियां पुलिस के हाथ लग जाएंगी, जिससे अब कौशल गैंग पर और नकेल कसने में मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैंगस्टर कौशल चौधरी बम्बिहा गैंग का मुख्य गैंगस्टर है। कौशल गैंग को ऑपरेट कर रही थी मनीषा। पेशेवर अपराधी है मनीषा। जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी अमित डागर के इशारों पर वारदातों को अंजाम देती थी मनीषा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन माना जाता है गैंगस्टर कौशल। पहले भी जेल में बंद रह चुकी मनीषा, फिलहाल गुरुग्राम पुलिस कई मामलों को लेकर मनीषा से पूछताछ करने में जुटी है। गुड़गांव और हरियाणा के अंदर व अन्य राज्यों के अंदर काफ़ी एक्सटॉर्शन की वारदात जो बढ़ रही थी, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता करी जा रही है। इस संबंध में जो होटल मालिक को 2 करोड़ रुपए की फिरौती गुड़गांव में दी गई थी, उस संबंध में जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है और हमारी राजस्थान पुलिस और गुड़गांव पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन करते हुए जो एक कुख्यात गैंगस्टर है कौशल चौधरी, उसकी वाइफ मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मुख्य तौर पर जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है, जो DIG सर सिमरदीप सर हैं, वसीम अकरम सर हैं और प्रिंसिपल DSP स्पेशल टास्क फोर्स और जो इंचार्ज गुड़गांव इकाई के हैं नरेंद्र चौहान, उनके द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और सराहनीय कार्य करते हुए उन्होंने मनीषा को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो सितंबर माह के अंदर गुड़गांव के अंदर काफ़ी तौर पर इस तरीके से काफ़ी होटल मालिकों से इस तरीके की एक्सट्रॉशन कॉल्स रिसीव करी गई थी, जिसके मद्देनज़र रखते हुए कुछ केस रजिस्टर्ड करे गए और कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस ने काफ़ी ऐसे सस्पेक्ट्स को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी पिछले कुछ 2 महीने के अंदर, जो कि कौशल गैंग की ऐसी गतिविधियों को उसके साथ संलिप्त थे और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। और इन सभी गतिविधियों पर जो मुख्य जो तौर पर जो कॉन्स्पिरेटर थी वो कौशल की वाइफ मनीषा थी। मनीषा जितने भी इसके हैंच कौशल ग्रुप के गैंग के जो हैंचमैन हैं, एसोसिएट्स हैं, उसको अपने तौर पर संचालित कर रही थी और इसको आम तौर पर जो रूटीन की डायरेक्शंस जो पता चलता था, ये कौशल चौधरी, मनीष चौधरी, अमित डागर वो जेल में बैठे हुए मुलाकात के दौरान व अन्य जो पेशी के दौरान कभी कभार आते हैं तो उनके द्वारा ये जो डिटेल्स साझा करते थे। मुख्य तौर पर ये अब अंतर्राज्य गिरोह ना रहते हुए ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुका है, पूरा सिंडिकेट है, जिसको विदेशों में बैठे हुए इनके कुछ साथी जो ऐसी घटना एक्सट्रोशन की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। मुख्य तौर पर जो हमने काफ़ी ऐसे जो उनकी पहचान करी हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं जो उनके साथ इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जैसे कि सौरभ गाडोली, उसमें पवन शौकीन, दिनेश उर्फ गांधी, ऐसे कई और इनके ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, जिसके ऊपर हम इंटरपोल व अन्य दूसरे माध्यमों से भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी जाएगी।